हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है प्लानिंग का, जिसके अंदर प्लानिंग को हमने 3 पार्ट्स के अंदर कवर किया है, आज जो है इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने आपको प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का मीनिंग और व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ दी जो प्लानिंग है उसके बारे में समझाया था। आज हम इसके अंदर करेंगे कि स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको एक आधे दिन के अंदर जो है मेरे ब्लॉग के अंदर मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि स्टैंडिंग प्लान क्या है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था सिंगल यूज़ प्लान क्या होते हैं, जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं परमानेंट्स होते हैं और ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं, इनको हम रिपीटेड यूज़ प्लान्स भी कह देते हैं। और ये जो मैनेजरियल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। जहाँ पे भी कोई रेकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम दोबारा, मतलब सेम प्रॉब्लम जो है रेकरिंग नेचर की जो है, रिपीटेड नेचर की अगर करती है, तो उस वक्त क्या होता है कि स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं बहुत ही हैंडी होते हैं और वो गाइड करते हैं कि हमें इस सिचुएशन के अंदर इस तरह का डिसीज़न लेना चाहिए। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, क्योंकि सिमिलर होते हैं, रिपीटेड होते हैं और जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर सिचुएशन के अंदर हर एक ब्रांच के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सेम डिसीज़न लिया जाता है, तो वहाँ पे यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर हम जो है इनको रेफ़र करते हैं और एक तरह के डिसीज़न लेते हैं। और सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडिंग प्लान्स ऑलरेडी बने होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को वो अपना काम जो है बड़ी आसानी के साथ डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि सबॉर्डिनेट को पता होता है कि हमने इस तरह की सिचुएशन के अंदर इस तरह का डिसीज़न लेना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनके अंदर भी, उनको अचीव करने के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो स्टैंडिंग प्लान्स बनाए जाते हैं बहुत सारी थिंकिंग के बाद, डिस्कशन के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, मतलब इनको प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड करके जो है बनाया जाता है। स्टैंडिंग प्लान जो है ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पॉलिसीज़ हो सकती हैं, प्रोसीजर हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है ये गोल्स होते हैं जिसके बेसिस पे, देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करती है कि हमारी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है अचीव करना है। देखो ये ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट होता है जो हमने गिवन टाइम फ्रेम और गिवन रिसोर्सेज के अंदर प्राप्त करना होता है। ऑब्जेक्टिव जो है बेसिक टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी प्लानिंग जो है, स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज जो है टिकी हुई होती हैं, और ये पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करते हैं और जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को भी एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हमने जो अपने एक्सपेंसेस हैं, वेस्ट एक्सपेंडिचर जो है उसको 10% से रिड्यूस करना है, या सेल को 25% से इंक्रीज़ करना है, या मार्केट शेयर को 15% से इंक्रीज़ करना है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, वेग नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि 15% प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 15% जो है स्पेसिफिसिटी है कि हमने प्रॉफिट कितना इन्हांस करना है, 15%। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देखो जब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करती है तो उसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए। अब जैसे एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव रख लेगा कि मैंने 100% आई लेना है, तो वहाँ पे क्या है कि देखो ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव जो है उसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत लो होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के अंदर वेगनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने क्या अल्टीमेटली अचीव करना है,
ऑब्जेक्टिव जो है मेरेबल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेयर करते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 15% प्रॉफिट इन्हांस करना है, तो 15% प्रॉफिट को इन्हांस करने के लिए हमें जो है अपना एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सेल को पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उसी तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव कर सकते हों। ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए, उनके साथ कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिसीज। देखो जो पॉलिसीज हैं ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन की पॉलिसी बन जाती है कि प्रमोशन जो है सीनियोरिटी बेसिस पे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, तो वहाँ पे ये पॉलिसी बनी हुई है कि हमने जो प्रमोशन देनी है सीनियोरिटी के बेसिस पे देनी है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी प्रमोशन का चांस आता है तो वहाँ पे सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन दी जाती है। तो ये एक पॉलिसी है, ये एक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर हम बार बार जो रेपिटेटिव नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें करने में हेल्प मिलती है, गाइड मिलती है। पॉलिसी हमें बताती है व्हाट इज़ क्या है और क्या नहीं करना, कि अगर जैसे हमने प्रमोशन करनी है तो प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, सीनियोरिटी। तो यहाँ पर जो पॉलिसी है पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। पॉलिसी हमें बाउंड्रीज जो है डिफ़ाइन करती है जिसके अंदर हमने डिसीज़न लेना है, और डिसीज़न जो होते हैं कि हमने किस तरह से अपने गोल्स अचीव करने हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि अगर इस लेवल पे वैकेंसी अराइज होती है तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट की पॉलिसी ये है। अगर मान लो जैसे टॉप लेवल पे है तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है कि हमने जो है मतलब जो हाई लेवल पे पोस्ट होती है वो इंटरनली फिल करनी है या बाहर के सोर्स से करनी है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ट्रेनिंग पॉलिसी है। तो पॉलिसी जो है हमें गाइड करती है। पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हमने अपनी लिमिट्स के अंदर जो है डिस्क्रिशन और इनिशिएटिव जो है एक्सरसाइज करना है, और पॉलिसी जो बनाई जाती है तो मैनेजमेंट के वेरियस लेवल जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके पॉलिसी जो है फ्रेम आउट होती है, पॉलिसी जो है डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करती है। जैसे पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओनली फ्रॉम द बिजनेस स्कूल्स, कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स रखने हैं तो उनके लिए क्या है कि हमने बिजनेस स्कूल भी स्पेसिफाई किए जाते हैं कि ये ए क्लास बिजनेस स्कूल जो है वहाँ से हमने रिक्रूटमेंट करनी है। तो ये पॉलिसीज बन जाती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ दी पॉलिसी। पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, और पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। जिसको हमें पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसीजर। देखो पॉलिसी जो है ये हमारा कि जब हमने डिसीजन लेना है तो ये हमने उस गिवन बाउंड्री के अंदर लेना है। प्रोसीजर जो है एक्शन क्या है, क्या किस तरह से हमने उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। प्रोसीजर गिव डिटेल्स एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी टेकन फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क। जैसे मान लो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहती है कि हमने बिजनेस स्कूल से बंदों को हायर करना है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि प्रोसीजर होता है कि जैसे वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, उसके अंदर जो सिलेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू होता है। तो ये एक प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप कि जब हमने उनको हायर करना है तो ये हमारा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हमने लोगों को जो है रिक्रूट करना है। तो ये प्रोसीजर जो है हमें स्टेप्स के बारे में बताता है, और ये जो स्टेप्स होते हैं एडवांस के अंदर डिटरमिन होते हैं। कोई जो प्रोसीजर है डैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसी, क्योंकि प्रोसीजर जो है गाइड टू एक्शन कि इस तरह से हमारा एक्शन इस तरह से हमने लेना है। पॉलिसी जो है हमें बताती है गाइड ऑफ थिंकिंग, और इसी तरह पॉलिसी जो है डिसीजन लेने के लिए हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। प्रोसीजर जो होते हैं जिसके अंदर वेरियस मेथड्स होते हैं कि हमने इस तरीके से अपने काम को
परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफिक मतलब एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि हर एक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि सेंट्रलाइज परचेजिंग पॉलिसी है, तो हर एक डिपार्टमेंट जिसको जब भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है कि सबसे अपनी रिक्वेस्ट लेके ऑर्डर जो है उसको कंपाइल करता है, फिर वो देखता है कि अगर उसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड सप्लायर है तो उन स्पेसिफाइड सप्लायर को जो है ऑर्डर भेजा जाता है, फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है उसको रिसीव करता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट देता है, कंपैरिजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है जब रिसीविंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है रिसीव कर लेता है तो उसके पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है पेमेंट कर देता है। तो ये एक प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप जो है हमने जब भी किस डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है तो हमने परचेज डिपार्टमेंट को लिखना है, परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर प्लेस करना है, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने उसको रिसीव करना है, इंस्पेक्शन ने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने उसकी पेमेंट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमने किसी काम को करना है तो उसके वेरियस स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बिजनेस स्कूल से हायर करते हैं तो उसके अंदर भी पहला स्टेप क्या है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने परचेजिंग का भी आपको बताया कि पहले परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन भेजी जाती है, फिर वो ऑर्डर प्लेस करता है, फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करता है, इंस्पेक्शन उसकी क्वालिटी चेक करता है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे करता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है हमें किस तरह से एक्शन को परफॉर्म करना है। प्रोसीजर जो होते हैं रिजिड होते हैं, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो सकती। प्रोसीजर के अंदर हमें सेट जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये इनसाइडर्स के लिए जनरली होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन्होंने जो भी जो है काम करना है तो उसने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको परफॉर्म करना है। देखो मेथड जो है, जब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि किस पर्टिकुलर टास्क को जो है इस तरीके से ही करना है, तो ये मेथड है, एक स्टैंडर्ड वे है जो कोई भी काम करने से पहले बताया जाता है कि इस काम को करने का ये तरीका है। तो जब भी पर्टिकुलर मेथड जो है उसको परफॉर्म किया जाता है तो उससे यूनिफॉर्मिटी भी आती है, इन एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है कि ये हमने मेथड जो है फॉलो करना है काम को करने के लिए, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है। और स्टैंडर्ड मेथड से क्या होता है कि वेस्टेज रिमूव होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मेथड। देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे है कि अगर हमने जैसे प्रोडक्शन के अंदर है तो अगर हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये मेथड जो है फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग ए वर्क है। तो इससे क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का अर्थ होता है कि यहाँ पे कहीं पे भी डिविएशन नहीं हो सकती, हर जगह पे जब हमने उस काम को उसी तरीके से करना है तो सिंप्लीफिकेशन भी होती है। और कई बार जो डिफरेंट टास्क होते हैं उनके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के मेथड डिफरेंट होते हैं, बट एक जैसा टास्क के लिए मेथड सेम होता है। और उसी तरह रूल जो होते हैं रिजिड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि देखो ये मैनेजमेंट जो है क्या करना है और क्या नहीं करना पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। रूल जो होता है डेफिनेट होता है, रिजिड होता है और इससे डेविएशन नहीं हो सकती। अगर डेविएशन होती है तो पेनल्टी लगती है। जैसे फैक्ट्री के अंदर होता है नो स्मोकिंग, जैसे कॉलेजेस और के अंदर होता है कि आपने पर्टिकुलर, जैसे हमारे कैंपस में है कि वेडनेसडे को आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है, उस दिन आपने इनफॉर्मल कपड़े नहीं पहने, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करते तो आपको फाइन लगेगा। और उसी तरह रूल्स का मतलब होता है कि जिसको हमने फॉलो करना है, अगर उससे डेविएशन है तो उस पर हमें पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। रूल जो है स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है कि जब हमने वर्क प्लेस पर इन चीज़ों को फॉलो करना है। रूल जो होते हैं रिजिड होते हैं और जहाँ पे हम लिबर्टी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और रूल स्पेसिफाई करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना।